बात करता हूं अपने ड्रीम्स की। अब आप सोच रहे होंगे सर आपके ड्रीम से हमें क्या, अरे आप पूरा करिए। तो बेटा ये ड्रीम मेरे अपने लिए नहीं है, ये मेरे जो ड्रीम्स है वो आप लोगों के लिए। ठीक है, पहला ड्रीम मेरा क्या है कि जितना भी स्ट्रगल केमिकल इंजीनियरिंग को सीखने में मैंने किया अपनी लाइफ में, वो स्ट्रगल आप लोगों की लाइफ में नहीं होना चाहिए। मेरा पहला ड्रीम ये। तो सर उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए बेटा मैंने एक टीम बनाई और आज मेरे पास वो टीम है। और मेरे टीम में मैं, मनीष सर, सुमित सर, त्यागी सर, हम चार लोग हैं। और हम चार लोग वो सारे सब्जेक्ट जितने भी टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, जो भी कहीं भी केमिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हर टेक्निकल सब्जेक्ट का एक लिमिट के डीप लेवल में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा जो पहला सपना है, उस सपने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। और उस सपने के लिए सर अब आपको क्या नीड है? मुझे नीड है कि केमिकल इंजीनियर कोई भी हो, पूरे इंडिया का केमिकल इंजीनियर मुझे फॉलो करना चाहिए। दूसरा ड्रीम मेरा क्या है, इंडिया का जितना भी केमिकल इंजीनियर है जो बीटेक कर रहा है, जो बीटेक कर चुका है, वो हर केमिकल इंजीनियर को मेरी टीम के बारे में, मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आप लोगों की है। आप लोग इसको फैलाएंगे और इस तरह से फैलाएंगे जैसे जंगल में आग लगती है। हर एक बंदे को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो फॉलो करे नहीं करे वो एक अलग मैटर है, पता होना चाहिए। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलो पहला ड्रीम हो गया। दूसरा ड्रीम क्या है? दूसरा ड्रीम मैंने देखा है कि मेरे साथ में ना, जब हम लोग बीटेक करके निकले, सुनिएगा, जब हम लोग बेटा बीटेक करके निकले, उस टाइम पे हमारे कॉलेज से एक सिंगल प्लेसमेंट नहीं हुआ था, एक सिंगल प्लेसमेंट नहीं हुआ था कॉलेज से। और मई का लास्ट एग्जाम जब हुआ था, सुनना, अब बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। मई का जब मई में हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था, और मुझे आज भी याद है वो डेट थी 30 मई, नहीं सॉरी 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 30 मई को लास्ट हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था। ठीक है, और 23 मई को हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था। उसके बाद 30 मई के बाद मैं घर पे बैठ के सोच रहा था, अपने रूम पे बैठ के सोच रहा था कि मैं क्या करूं, जॉब तो लगी नहीं। और सिर्फ मैं नहीं, मैं ये फील कर पा रहा हूं कि हर एक वो बंदा सोचता होगा जिस दिन उसका बीटेक कंप्लीट होता है, क्योंकि माँ बाप जब पैसा देते हैं ना, लाखों रुपए सैलरी, वो सॉरी लाखों रुपए जब कॉलेज में एडमिशन में देते हैं, लाखों रुपए जब हर सेमेस्टर की फीस पे करते हैं, आप लोगों के एक्सपेंसेस पे करते हैं, तब उनके माइंड में एक ही चीज होती है, एक सपना होता है कि मेरा बेटा बीटेक करने के बाद एक अच्छी जॉब करेगा, एक इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर बन के हम सबकी लाइफ चेंज कर देगा। आप सच में अपने दिल से पूछिए, क्या अपने माँ बाप के उस सपने को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो? आप सच में अपने दिल से पूछिए। और आप लोग जितने भी लोग प्रेजेंट है, हो सकता है आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन क्या हर एक केमिकल इंजीनियर कर रहा है? मुझे बेटा सिर्फ उतने लोगों से मतलब नहीं जो यहां पर प्रेजेंट है, मुझे हर एक उस बंदे से मतलब है, हर एक उस स्टूडेंट से मतलब है केमिकल इंजीनियर के, जो अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है। वो हर एक स्टूडेंट जो अपने माँ बाप के पैसे को वेस्ट कर रहा है, जो उनकी कमाई को बस सिर्फ और सिर्फ बीटेक की डिग्री के लिए यूज कर रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है, ना कि इन्वेस्ट कर रहा है। मुझे हर एक उस स्टूडेंट को ये चीज बतानी है। ठीक है, तो मेरा ड्रीम हर एक वो स्टूडेंट है जो स्टूडेंट अपने माँ बाप के पैसे को ना यूज कर रहा है, उसको मिस यूज कर रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है, ना कि इन्वेस्ट कर रहा है। अब सर ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, वेस्ट कर रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं? सर आपको क्या पता? हाँ बेटा, हो सकता है कि एक टाइम पे जब मैंने बीटेक किया था, तो मैंने भी अपने माँ बाप के पैसे को वेस्ट किया था, क्योंकि जितना पैसा मैंने उनसे लेके वहां पर वेस्ट किया, उतना मैं नॉलेज गेन नहीं कर पाया। वो 4 साल का टाइम मैंने अपना बर्बाद किया था। मैं नहीं चाहता बेटा आपका 1 महीने का टाइम भी बर्बाद हो। मैं नहीं चाहता, अगर 4 साल आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अय्याशी करो, बीटेक करने का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्रेंड सर्किल बना के घूमो, बीटेक करने का मतलब ये नहीं होता कि सर हम लोग ना पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करेंगे, तो फिर क्यों बीटेक की डिग्री लेने के पीछे घूम रहे हो आप? बीटेक करने का मतलब ये होता है कि आपकी हर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, आपके डिसीजन लेने की स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, आपके माइंड की स्किल डेवलप होनी चाहिए, आपको टेंशन हैंडल करने की स्किल डेवलप होनी चाहिए, आपके कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल डेवलप होना चाहिए। और उसके साथ में सब कुछ करते हो, लेकिन उसके साथ में आपके नॉलेज भी गेन होनी चाहिए, नॉलेज की स्किल्स भी, आपके इंजीनियरिंग की स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए। बस उस चीज को आप छोड़ देते हो और आप क्या करते हो, लास्ट नाइट स्टडी करके एग्जाम अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद पास हो जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो। मेरे तो
एक दिन पढ़ के इतने नंबर आ गए, अगर मैं 6 महीने पढ़ता तो सोचो कितने नंबर आते। और कई लोगों से ये कमेंट करते हुए भी घूमते हो जो बंदे सिंसियरली पढ़ रहे होते हैं। तो उसने मना किया था, आपके मां बाप ने मना किया था, या किसी और ने मना किया था, नहीं बेटा आपको 6 मंथ नहीं पढ़ना है। बेटा सब कुछ जरूरी है लाइफ में, फ्रेंड सर्किल भी मनाइए, इंजॉय भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉलेज नहीं गेन कर पाए ना, तो डिग्री ले तो लोगे लेकिन उस डिग्री का यूज करना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, मैं 2-4% की बात नहीं कर रहा कि ठीक है हमारे मम्मी पापा की इंडस्ट्री है, मैं जाके वो संभाल लूंगा, है ना, इंजीनियर मेरे अंडर में काम करेंगे, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके माँ बाप ने कमा के पैसे दिए हैं, उनसे पूछेगा। और वो फीलिंग, वो एहसास आपको तब होगा जब एक दिन आप माँ बाप बन जाओगे, और उस दिन जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए उतना पैसा किस तरह से अरेंज करके दे रहोगे, लोन लेके दे रहे होगे, किसी से उधार लेके दे रहे होगे, उस दिन आपको ये चीज फील आएगी। शायद अभी फील नहीं आती, और बहुत से लोग, हो सकता है बहुत से लोग अभी मतलब गालियां भी दे रहे हो, और बहुत से लोग मुझे उल्टा सीधा भी बोल रहे हो सकता है बहुत से लोगों के मन में गलत चीजें भी आ रहे हो कि सर ये सेशन देखने के लिए हम यहां पर आए थे, आपकी बकवास सुनने के लिए, हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो। एक रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अभी टाइम है, और अभी नहीं ना तो कभी नहीं। और आप ये सोचो कि मैं 4 साल बाद फिर गेन करूंगा ना ये सारी चीजें, बेटा बिना गेन किए, बिना नॉलेज के ना पीएससी में जॉब तो नहीं मिलेगी, बिना नॉलेज के पीएससी में जॉब तो नहीं मिलेगी। ठीक है, और हां जॉब मिल जाएगी आपको, लेकिन कितने की? 10,000 पर मंथ की। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस। अनअकैडमी कॉम्बैट, कंपीट, क्रैक, कॉन्कर। अ चैलेंजिंग जेट कॉन्टेस्ट engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.